गाइस, लेटर ए की वोकैबुलरी वीडियो नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में असाइड, एस्पेक्ट, असॉल्ट, एसोसिएट एंड अश्योर्ड, इन 5 स्पेलिंग के बारे में हम जानेंगे। इनका प्रोनंसिएशन, मीनिंग और इन्हें किस तरह से हम सेंटेंसों में यूज़ करते हैं और उनका क्या अर्थ निकलता है, उनकी क्या मीनिंग निकलती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि इन्हें हम सेंटेंसों में किस तरह से यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट स्पेलिंग है ASIDE, असाइड। असाइड का मीनिंग होता है अलग, पृथक या फिर अलग करना। ठीक है, सेंटेंस में देखिए, उसने अपना थैला या बैग एक तरफ फेंक दिया। ही थ्रू हिज बैग असाइड। उसने अपना थैला एक तरफ फेंक दिया। ही की वजह से इसमें हिज का यूज़ किया गया है अपना के लिए। ठीक है, असाइड मतलब अलग कर दिया, अपने से दूर कर दिया, फेंक दिया। ही थ्रू हिज बैग असाइड मतलब जो व्यक्ति बैग लिए हुए था हाथ में, उसने खुद से दूर फेंक दिया उसे। ठीक है ना, इसी को कहते हैं अलग या पृथक। ठीक है, अलग करना, पृथक करना। ऐसे राघव हर हफ्ते 100 रुपये अलग रखता है। राघव हर हफ्ते 100 रुपये अलग रखता है। राघव पुट्स असाइड 100 रुपीज़ एवरी वीक। राघव पुट्स असाइड 100 रुपीज़ एवरी वीक। राघव हर हफ्ते 100 रुपये अलग रखता है। पुट्स मतलब रखता है। ठीक है ना, ASPECT, एस्पेक्ट। एस्पेक्ट इसका मीनिंग होता है पहलू। नहीं समझे, चलिए अभी सेंटेंसों में समझ में आ जाएगा। शिक्षा जीवन के सबसे आवश्यक पहलुओं में से एक है, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। शिक्षा जीवन के सबसे आवश्यक पहलुओं में से एक है। एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ मतलब शिक्षा जीवन के सबसे आवश्यक पहलुओं में से एक है। एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है ना, जीवन के यानी कि जिंदगी के सबसे आवश्यक पहलुओं में से एक है शिक्षा। नेक्स्ट देखिए, उन्हें समस्या के हर पहलू पर विचार करना चाहिए। उन्हें समस्या के हर पहलू पर विचार करना चाहिए यानी कि परेशानी के हर पहलू पर विचार करना चाहिए। दे मस्ट कंसीडर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। दे मस्ट, मस्ट मतलब अवश्य करना चाहिए। दे मस्ट कंसीडर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। उन्हें समस्या के हर पहलू पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है धावा करना, हमला, अवैध मारपीट या फिर आक्रमण करना भी होता है। ASAULT, ASAULT असॉल्ट। एग्जांपल देखिए, मुझ पर हमला किया गया था। I was assaulted। या फिर आप इसका मीनिंग तो कुछ भी निकाल सकते हैं, मेरे साथ मारपीट की गई तो भी यही मतलब होगा, उसका इसका ये भी मतलब होगा। ठीक है, मुझ पर हमला किया गया था या फिर मेरे साथ मारपीट की गई। I was assaulted। नेक्स्ट देखिए, उसे हमले के लिए 3 बार गिरफ्तार किया गया है। उसे हमले के लिए 3 बार गिरफ्तार किया गया है।
ही हैज बीन अरेस्टेड 3 times फॉर असॉल्ट. ही हैज बीन अरेस्टेड 3 times फॉर असॉल्ट. उसे हमले के लिए 3 बार गिरफ्तार किया गया है. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट देखिए. एसोसिएट AOSCIATE एसोसिएट. एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी, साथी, संगी, संबंधित. ठीक है. एक एग्जांपल लेकर देखते हैं. मैं उसके साथ 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ. मतलब मैं उसके साथ 5 साल से उसके संग में हूँ, उसके साथ में हूँ, उसका सहयोगी हूँ. ठीक है ना. तो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद हिम फॉर 5 years. आई हैव बीन एसोसिएटेड विद हिम फॉर 5 years. मैं उसके साथ 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. मैं उसके साथ व्यापार में सहयोग करता हूँ. मैं उसके साथ व्यापार में सहयोग करता हूँ, यानी कि मैं उसका सहयोगी हूँ. ठीक है. तो आई एसोसिएट विद हिम इन बिजनेस. आई एसोसिएट विद हिम इन बिजनेस. व्यापार में मैं उसके साथ व्यापार में सहयोग करता हूँ. नेक्स्ट स्पेलिंग देखिए. अश्योर्ड AWSURED अश्योर्ड. अश्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन देना, निश्चित या बीमाकृत, जिसे कहा जाता है कि मतलब पक्का करना. ठीक है. तो चलिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये मजाक नहीं है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये मजाक नहीं है. आई अश्योर यू दिस इज नॉट अ जोक. आई अश्योर यू दिस इज नॉट अ जोक. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये मजाक नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए. मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि सब कुछ नियंत्रण में है, यानी कि सब कुछ ठीक है. मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि सब कुछ नियंत्रण में है. आई कैन अश्योर यू एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. आई कैन अश्योर यू एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि सब कुछ नियंत्रण में है. ठीक है. सो फ्रेंड्स, यदि आपके लिए वीडियो उपयोगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.